हुए थे और वहां पे जो है गर्म पानी, तो बिल्ली आ गई, बिल्ली आई, अंडमान की बिल्ली को देखिए। तो वहां पे हम लोग बैठ के चाय वाय बना के पी रहे थे। और ये देखिए, फिर हम लोगों को घूमने जाना था, तो फिर मैं हो रही हूँ तैयार। जब भी तैयार हो रही हूँ, शिवांश के पापा वीडियो बना ले रहे थे। और ये देखिए, आज तो ये बीच लास्ट था, तो हम लोग फिर चले गए बोटिंग के लिए, बोट पे बैठ के। और जो मतलब सेफ्टी बेल्ट वगैरह, सेफ्टी जैकेट वगैरह रहता है, वो हम लोग पहन लिया था, पहने थे, क्योंकि मतलब पहनना ही था, ज़रूरी, कंपलसरी था। और बैठ के चले गए बोट में। देखिए, पूरा इस कॉर्नर से लेके उस कॉर्नर, शिवांश के पापा इस तरफ थे क्योंकि सीट पे पानी था, और वो वीडियो भी बना रहे थे मेरा। और जो आगे का पानी वगैरह था, और बोट का जो आगे का पोर्शन है, और भी कुछ लोग थे, और ये देखिए, बोट जब चल रहा है तो पानी कैसे इधर उधर मतलब वेव्स आ रहे हैं। जो बोट के नीचे का पानी है, वो साइड में दोनों वेव्स जैसा आ रहा है, और बोट भी जो है तैर रहा है, तो ऐसे ऊपर नीचे हल्का झटका टाइप का। और भी जो मतलब वहाँ पे बोटिंग वगैरह था, छोटा छोटा बाइक वगैरह टाइप का था, तो वो सब भी पानी में जा रहा था उधर। और मैं इधर शिवांश के पापा से कुछ बात करने में बिज़ी हूँ, बहुत ही धूप था ये देखिए, और पानी की वजह से इतना ठंडा हवा था, उधर पे गर्मी नहीं था। हम लोग मार्च में गए थे, तो ना ही वहाँ पे गर्मी था, ना ही ठंडा था। और ये देखिए, जो नीचे ये लगा हुआ था, मतलब शीशा टाइप का लगा हुआ था बोट में, उसके अंदर से जो समुद्र के अंदर का है, वो सब नज़ारा दिख रहा था। इतना बड़ा बड़ा जो है स्टोन ग्रास वगैरह समुद्र के अंदर है, और मछली वगैरह भी बहुत सारी दिख रही थी। देखिए, छोटा छोटा दिख रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा था ये देख। मेरे को तो बहुत मज़ा आ रहा था, मैंने मज़ा भी किया और वीडियो भी बनाए बहुत सारे, ताकि मतलब मेरे को था कि इस मोमेंट को कैप्चर करके रख लूँ हमेशा के लिए। पता नहीं फिर लाइफ में कभी दोबारा वहाँ जाने का मौका मिले ना मिले, इसी वजह से मैं सारा एक एक जो पल है, एक एक मोमेंट कैप्चर करके रख ली थी। देखिए, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। इस व्लॉग को ज़रूर ही देखिए, व्लॉग में बने रहिएगा, बहुत ही प्यारा नज़ारा है अंडमान का। आप लोग व्लॉग के थ्रू ही अंडमान घूमिए, थोड़ा बहुत आइडिया तो मिलेगा आप लोगों को। आप लोगों को कभी जाना होगा तो इसके थ्रू ही आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि आप लोगों को जाना चाहिए कि नहीं। लेकिन मेरे हिसाब से अंडमान जाना एकदम पैसा वसूल ट्रिप था हम लोगों का, बहुत ही इन्जॉय किए, बहुत ही मज़ा किए। देखिए कितना गहरा है समंदर, फिर भी मतलब अंदर का हर चीज़ दिख रहा है उस ग्लास के थ्रू, जो मतलब बोट के नीचे लगाया हुआ था, जहाँ पैर वैर रखते हैं ना, उसके थ्रू सब दिख रहा था हम लोगों को। देखिए इतनी सारी मछलियाँ, मैं तो मतलब ढूंढ रही थी कि कोई बड़ी मछली आ जाए, कोई बड़ी मछली मिल जाए, लेकिन बड़ी मछली तो नहीं मिली। यही मैं देख रही थी और कैप्चर कर रही थी एक एक पल, एक एक मोमेंट, क्योंकि लाइफ में जो है ना, शादी वगैरह, फिर फैमिली, बच्चा, पढ़ाई लिखाई, आदमी उलझ जाता है। इसी वजह से हम लोग मतलब शिवांश के पापा प्लान बना लिए थे अंडमान का, तो उनका जो प्लान था बहुत ही अच्छा था, क्योंकि फिर आदमी जो फैमिली बढ़ने लगता है तो उलझ जाता है, नहीं जा पाता है। तो बहुत ही अच्छा लगा अंडमान जाके। आप लोग एंजॉय कीजिए समंदर के अंदर का नज़ारा कैसा है। देखिए, बहुत ही गहरा होने के बाद लग रहा था कि जैसे मेरे आँख के सामने ही है ये सारा व्यू। देखिए स्टोन्स वगैरह, कहीं कहीं बहुत गहरा भी दिख रहा था, मतलब ऐसे तो दिख रहा था पास ही में है, लेकिन उसमें भी कहीं कहीं बहुत गहरा जैसा आ रहा था। ये देखिए, ब्लैक ब्लैक कुछ उसमें दिख रहा था, पता नहीं ये क्या था, मक्खी वगैरह जैसा कुछ था, लेकिन पता नहीं वो समंदर में कुछ होता होगा, वो तो मुझे नहीं पता कि क्या है। और ये देखिए, कॉलीफ्लावर टाइप का जो जलगोभी होता है ना, वैसा सब शेप में दिख रहा था। और ये देखिए, बड़ा सा चट्टान आया बीच में, लग रहा जैसे गोभी 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 का टुकड़ा सब डाला हुआ, थोड़ा छोटा छोटा सा दिख रहा था।
बहुत ही सुंदर नज़ारा है ना। मैं तो इन्जॉय कर रही हूँ वीडियो के थ्रू भी, और रियल में तो इन्जॉय की। आप लोग भी वीडियो के थ्रू इन्जॉय कीजिए अंडमान का एक एक नज़ारा और समुद्र के अंदर का। आप लोग अगर अंडमान जाए ना तो ये वाला मतलब जो बोट में है ज़रूरी बैठ के ये सब देखिएगा, क्योंकि बाहर का तो हम वैसे भी देख लेते हैं लेकिन जो ग्लास के थ्रू अंदर का देखते हैं ना वो बहुत ही कम ही चांस मिलता है। जहाँ पे भी मतलब समंदर होगा वहाँ पे हो सकता है ये नज़ारा, लेकिन अंडमान का कुछ अलग ही था और इतना साफ वगैरह था ना कि क्या ही बताऊँ मैं, बहुत ही सुंदर था। ये देखिए फिर वहाँ से हम लोग आ गए। इसके बाद फिर बीच मतलब उसी बीच में जो पैर चल के जाने जैसा पुल टाइप का रहता है उस पे हम लोग जाके बैठ गए, और फिर पैर वगैरह पानी में डाल के, बहुत ही धूप था तो ऐसे ऐसे पानी में डाल के थोड़ा सा आराम मिल रहा था पैर को, क्योंकि इस पे चल चल के पैर जल रहा था तो पैर वगैरह डाल के ऐसे ऐसे हिला रहे थे। थोड़ा सा पानी वगैरह मैं डाल रही थी शिवांश के पापा के ऊपर, और फिर हम लोग आ गए रूम में। तो शाम को ऐसे ही बोर हो रहे थे तो तैयार होके हम लोग गए, तो मैं मछली पकड़ रही थी। और इसके बाद देखिए रात में शायद 8-9 बजे खा पी के हम लोग निकल आए थे इधर। देखिए रात में एकदम अंधेरा है, कुछ भी नहीं था उधर, लेकिन पास में था तो हम लोग चले जा रहे थे। और बिहार में जो है ना शादी होने के 1.25 महीना तक मतलब मांग भराई का रस्म होता है, जो सिंघोरा का सिंदूर होता है उसी। तो हमारा तो अभी 1.25 महीना नहीं हुआ था, 5-6 दिन ही हुआ था, तो अंडमान चले गए थे। तो रोज़ सुबह मैं नहा के आती थी, तो वैसे तो सास ननद बड़े लोग मांग भरते हैं लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था, तो फिर सिवांश के पापा ही ये रस्म करते थे। जितना दिन वहाँ पे थी वही मांग भरते थे। मांग भरने के बाद कुछ मीठा खाया जाता है तो मैं यहीं से लेके गई थी, मम्मी दे दी थी, तो फिर मिठाई खाई मैं। देखिए सिंघोरा लेके गई थी अपना मैं, और फिर मैं मिठाई खाई, सिवांश के पापा को खिलाई, और फिर आ गया दिन वापस आने का। वहीं पे गाइस करो